हेलो गाइस यार, वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक। सो भाई, वर्ल्ड कप का सीजन है और इस वर्ल्ड कप की एक खास बात है। खास बात क्या है, अगर आप कंपेयर करोगे 2018 वर्ल्ड कप से, भाई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं इस वर्ल्ड कप में, बहुत ज्यादा। 2018 में याद करो, फ्रांस को छोड़ के एक नाम जो फ्रांस को टक्कर दे दे, बस टक्कर दे दे, एक नाम कोई नहीं था। अर्जेंटीना को भगा भगा के मारता, डिफेंस को खोल दिया था। स्पेन रशिया से बाहर हो गई थी, फाइनल देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया था। क्रोशिया को भी खोल दिया था फ्रांस ने, बट भाई इस वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तो भाई बता देता हूं, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेस्ट अटैक किस टीम का है इस वर्ल्ड कप में। पांच टीम्स पे बात करने वाला हूं, और ये पांच टीम्स ऐसी टीम्स हैं जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चांसेस हैं जीतने के इस वर्ल्ड कप को। दो साउथ अमेरिकन टीम्स हैं, तीन यूरोप की हैं। साउथ अमेरिकन आप समझ ही होंगे भाई किसकी बात कर रहा हूं। यूरोप से भाई मैंने लिया फ्रांस, पोर्चुगल एंड इंग्लैंड, और इन पांचों टीम्स को मैं कंपेयर करने वाला हूं, अटैक को कंपेयर करने वाला हूं। स्टार्टिंग 11 जो होगा ना अटैक, सिर्फ उसको कंपेयर कर रहा हूं, डेप्थ को नहीं, कोई डेप्थ नहीं लेने वाला, बेंच कोई नहीं लेने वाला। मतलब वीडियो बहुत लंबा होता है, प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है भाई। सो भाई सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं अर्जेंटीना पे, अर्जेंटीना को लेने वाला हूं क्योंकि भाई इनकी सबसे ज्यादा हाइप बनाई जा रही है, और जो कि बनती भी है जिस हिसाब से लोग खेल रहे हैं भाई। फाइनली जमा में इटली को, चैंपियंस ऑफ यूरोप को भाई खोल दिया था, अच्छे से खोल दिया था भाई अर्जेंटीना ने। कोपा अमेरिका खोल दिया भाई, ब्राजील को खोल दिया था। तो भाई इटली, सॉरी अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड करने वाला हूँ कंपेरिजन, अटैक किसका बेस्ट है। तो भाई पहले मैं बात करने वाला हूँ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में भाई नंबर 9 खेलने वाला है लाटूरो, लाटूरो के जस्ट पीछे खेलने वाला है मेस्सी, जो कि भाई आपका वर्ल्ड का बेस्ट प्ले मेकर है, जो गोल्स भी देगा आपको, असिस्ट भी देगा, वॉक रेट भी देगा, सब कुछ करेगा। राइट विंगर भाई, जब डी मारिया की बात आती है क्लब लेवल पे थोड़ा एवरेज दिखता है, बट जब अर्जेंटीना से वो बंदा खेलता भाई, क्वालिटी प्लेयर होता है, बहुत गलत। याद है भाई, अभी भी याद है जो उसने गोल मारा था फ्रांस को 2018 वर्ल्ड कप में, बॉक्स के बाहर से लेफ्ट फुट पटाका। तो भाई इनका राइट विंगर खेलने वाला है या तो लोसेल्सो, ज्यादातर मेरे को लग रहा है लोसेल्सो ही खेलेगा या फिर डिबाला खेलेगा, पर लोसेल्सो की जगह बनने वाली है। तो बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करी आपने, लोसेल्सो हो, डिबाला हो, मेसी हो, डी मारियो, सारे के सारे प्लेयर्स लेफ्ट फुटेड हैं, राइट फुटेड सिर्फ लाटूरो है। तो थोड़ा होता है राइट फुटेड का भी चाहिए होते हैं बंदे भाई, सो दैट वो एंगल खुल जाते हैं। और तो भाई इनका मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ इंग्लैंड से, उस टीम से जो नेशंस लीग में लास्ट पे बैठी हुई है अपने ग्रुप में, और अभी रिसेंट मैच हंगरी से 4-0 हारे, 4-0 से पिटी है इंग्लैंड। तो भाई इनकी टीम में अटैक होने वाला है, केन खेलने वाला है नंबर 9, केन के पीछे होने वाला है माउंट, राइट विंगर मेरे को लग रहा है साका होगा, और लेफ्ट विंगर इनका स्टर्लिंग होगा। तो भाई दोनों टीम्स को अगर मैं कंपेयर करूँ उनका अटैक को, तो मैं आराम से यहाँ पे अर्जेंटीना के अटैक को जितवाने वालों भाई, आराम से भाई। या मेसी खड़े हैं, या डी मारिया खड़े हैं, या लाटूरो खड़े हैं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। मतलब यहाँ पे भी हैं प्लेयर्स डेफिनेटली, या केन है या स्टर्लिंग है, बट स्टिल भाई वहाँ पे जो क्वालिटी है भाई वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर ले जाती है। जब वो दो प्लेयर्स खड़े हैं ना जिस टीम में, जब बात आती है मेसी एंड डी मारिया की, तो भाई कुछ ज़्यादा ही ऊपर है वो क्वालिटी। तो भाई यहाँ जीत जाती है अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना का मैच मैं लगाने वाला हूँ भाई एक दूसरी साउथ अमेरिकन टीम से, ब्राज़ील से भाई। पर्सनली मेरे को बहुत मजा आने वाला है इसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ब्राज़ील का अटैक भाई बहुत स्ट्रांग है, बिलीव मी बहुत स्ट्रांग है। तो भाई ब्राज़ील का क्या है, ब्राज़ील का खेलने वाला है नंबर 9 गैब्रियल हीसोस, और याद रखना ये प्लेयर्स को याद रखना, गैब्रियल हीसोस के पीछे जस्ट खेलने वाला प्ले मेकर जो मेसी अर्जेंटीना के लिए करने वाला है, वो नेमार ब्राज़ील के लिए करने वाला है। राइट विंग पर रफीनिया, लेफ्ट विंग पर विनीशियस, और ये चारों के चारों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं अपने अपने क्लब्स के लिए। विनीशियस फॉर रियल मैड्रिड, रफीनिया फॉर बासा, गैब्रियल हीसोस फॉर भाई आर्सेनल, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर और बहुत ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई अपने क्लब लेवल पे। तो यहाँ पे मैं आराम से ब्राज़ील को जिताने वाला हूँ भाई। आप लोग कमेंट सेक्शन में दो चीज़ें, अगर आप में से डिसएग्री करते हो तो वो बताना, और दूसरी चीज आप इस वर्ल्ड कप में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। मैं कर रहा हूं भाई फ्रांस को, ठीक है। तो भाई ब्राजील जीत जाती है, ब्राजील का मैं मैच करवाने वाला हूं पोर्चुगल से करवाने वाला हूं भाई। पोर्चुगल एक ऐसी टीम है
ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, बट पता नहीं मैच में क्या हो जाता है, बस बॉल के पीछे भागते हुए दिख रहे होते हैं। तो देखते हैं भाई इनका क्या है। नंबर 9 पे इनके पास है रोनाल्डो, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट भाई फिनिशर्स भाई, हेडिंग वेडिंग जो करवाने करवा लो, बस बॉल प्रोवाइड कर दो पहले। राइट विंग पर मैं रखने वाला हूँ भाई बर्नार्डो सिल्वा, रोनाल्डो के पीछे आने वाला है ब्रूनो, और लेफ्ट विंग पर भाई आने वाला है जोटा। अच्छे खासे प्लेयर्स हैं सारे, अपने 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 क्लब्स के लिए मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसमें भी मेरे ख्याल से ब्राजील का कंपैरिजन नहीं है भाई, ब्राजील बहुत स्ट्रांग दिख रही है, अटैक में ब्राजील का कोई कंपैरिजन नहीं है, ले जाएगी भाई, पोर्चुगल नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। तो भाई ब्राजील को कौन हराएगा भाई, इतनी सांबा बॉस को कौन पकड़ेगा, एक टीम है भाई, वो कंपैरिजन करा के देखते हैं। अगर आप एग्री नहीं करते तो भाई कमेंट सेक्शन में प्लीज भाई। तो मैं इधर नेक्स्ट मैच होने वाला है भाई ब्राजील वर्सेस फ्रांस, मेरी फेवरेट टीम भाई। तो भाई फ्रांस की अटैक क्या, फ्रांस का अटैक क्या, इनके पास है बेंजिमा, बेलेंडियोर है ना भाई, लेफ्ट विंग पर इनके पास है एम्बापे, राइट विंग पर इनके पास है डेम्बेले, बेंजिमा के पीछे खेलने वाला है ग्रीज़मन। एक एक करके कंपैरिजन कर ले तो भाई अगर मैं राइट विंग की बात करूं रफीनिया या फिर डेम्बेले, एक नाम फॉर्मिंग डेम्बेले। नंबर 9 की बात करूं बेंजिमा या फिर गैब्रियल हेसुस भाई, फॉर मी बेंजिमा। लेफ्ट विंग की बात करूं विनीशियस, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, एम्बाप्पे से एक टाइप की वो हो जाती है ना, हेट हो जाती है, हो गई है, बट स्टिल भाई न्यूट्रल तो रहना पड़ेगा। एम्बाप्पे भाई सिलेक्ट करने वालों में लेफ्ट विंग पर, नेमार या फिर ग्रीज़मन में भाई नेमार। तो भाई यहाँ क्लियर हो जाता है क्यों मैं फ्रांस को रखने वाला हूँ, मतलब जितवाने वाला हूँ इस मैच में। तो भाई ओवरऑल मेरे ख्याल से फ्रांस का कंपैरिजन आप किसी से भी कर लो, आप कंपैरिजन आप अर्जेंटीना से कर लो, अटैक की जब बात आती है मेरे ख्याल से फ्रांस का कोई कंपैरिजन नहीं है। जब डेम्बेले और जब एम्बाप्पे विंग्स पर भागेंगे भाई, क्या हाल होने वाला है भाई सामने वाली टीम का, क्या हाल होने वाले डिफेंडर्स का भाई मुझे नहीं पता। और सामने आपने नंबर 9 पे और बंदा खड़ा कर रखा है जो कि बेलेंडी और जीतने वाला कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, खोल देगी भाई ये अटैक, खोल देगा किसी भी डिफेंस को खोल देगा भाई। सो इस वर्ल्ड कप में फॉर मी भाई बेस्ट अटैक है फ्रांस का, आप कमेंट सेक्शन में बताना और अपनी फेवरेट टीम जरूर बताना यार। सो आई हैव सॉल्व फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।